नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। अभी बज रहे सुबह के 9। आज हम लोग जा रहे हैं वापस कोटा। तो हम यहाँ से 2 दिन पहले जाने वाले थे, बट टिकट इशू हो गया, ट्रेन में टिकट ही नहीं मिल रहा है। आज भी टिकट नहीं मिला है, बट हम बस से जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे लखनऊ, वहाँ से फिर हम कोटा के लिए बस है, मतलब शाम की 6 बजे की है। यहाँ से हमको 10 बजे तक निकलना पड़ेगा जौनपुर, जौनपुर से हम बस लेंगे लखनऊ के लिए, देन हम जाएंगे लखनऊ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं जौनपुर डिपो में। तो अभी बज रहे हैं 10:40। तो अभी हम यहाँ से लेंगे लखनऊ के लिए बस। तो लखनऊ जाने में लगभग 5 घंटे लगेगा। चलिए फिर देखते हैं कोई बस है लखनऊ के लिए, और चलते हैं सीधा लखनऊ। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं लखनऊ चारबाग में। तो अभी बज गया है लगभग 5:30, काफ़ी लेट हो गया बस, इसलिए 5:30 बज गया। तो अभी हमें यहाँ से जाना है जहाँ से हमें कोटा के लिए बस मिलेगी, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्किंग नंबर 7। तो यहाँ से हम ऑटो लेंगे, लगभग आधा घंटा लगेगा। तो चलिए फिर ऑटो लेते हैं और चलते हैं सीधा। Till I get up, time is barely on our side. दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर। तो ये पिंक वाली बस है जो यही जा रही है कोटा। तो ये 6:45 पे जाएगी। तो अभी बजे 6:10। तो अभी लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर वेट करते हैं और सीधा निकलते हैं कोटा। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं कोटा में। तो अभी बज रहे हैं 8:10। तो अभी हम उतर गए हैं बस से तलवंडी सर्कल पे। तो यहाँ से हमारा हॉस्टल मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो अभी हम पैदल ही जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और पहुंचते हैं सीधा अपने हॉस्टल। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल पर। तो अभी बज रहे हैं 8:40। तो कल हम 7 बजे निकले हुए थे लखनऊ से, और अभी 8 बजे यहाँ पहुँचने लगभग 12 घंटा लग गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था बस से आना, क्योंकि हम लोग जौनपुर से भी लखनऊ बस से गए थे, और लखनऊ से फिर कोटा भी बस से आए। लेकिन मज़ा आया, पूरा अच्छा था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।